कहाँ पे है, कहाँ है, कौन है, कौन है थाना प्रभारी, कौन है थाना प्रभारी, ये है। अरे सर धक्का क्यों दे रहा है सर, आप धक्का क्यों दे रहा है सर, देखिए ना कैसे धक्का दे रहा है सर, आप धक्का क्यों दे रहा है सर, आप धक्का क्यों दे रहा है सर, देखिए ना कैसे धक्का दे रहा है, कैसे धक्का दे रहे हैं, देखिए इनको, वाह सर वाह। क्या दर्द को कोई समझ सकता है क्या, क्या बोले हम, सबसे बड़ी लड़की है और पैसा लेने के लिए आ जाती है, लेने के लिए यहाँ पे पैसा लेना होगा तो आ जाएगी, पैसा लेना होगा तो आ जाएगी। मैं तो उनके सामने कह सकता हूँ, मैं एक बार नहीं हजार बार कह सकता हूँ कि पुलिस पैसा लेती है। इतना हिम्मत है कि सर प्रशासन के सामने रॉन्ग साइड में, बिल्कुल पूछिए सर, नहीं एक सेकंड, मैं गलत बोला क्या कुछ, मैं कुछ गलत, हाँ सर एक सेकंड आइए देखिए देखिए, हाँ सर बोलिए, हम जाम लगाए हैं, हम जाम लगाए हैं, यहाँ लोग हम जाम लगाए हैं। आप इधर से गाड़ी कैसे लेके आ गए, आपका साइड वो है, आप कैसे लेके आ गए गाड़ी, वो भैया आप इधर से गाड़ी लेके कैसे आ गए, अगर मेरे ऊपर बिहार की जिम्मेदारी आएगी तो मैं सवाल करूंगा, रुके रुके अरे तो क्या करे, अरे तो हम रोके ना, रॉन्ग साइड तो रोके ना, रॉन्ग साइड रोके ना, फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ, रोके कैसे, रो एक्सीडेंट तो, एक्सीडेंट तो उधर हुआ है, नहीं नहीं उधर हुआ है सर, एक सेकंड, सर मेरी बात, मेरा नाम भाई कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग आरा जिले के बबुरा गाँव में है और यहाँ पर देख सकते की माहौल बहुत गर्म है और ट्रकों को रोक दिया गया है। आपको बता दे की ट्रकों का लाइन लंबा लग गया है और जाम का सिचुएशन यहाँ पर खड़ा हो गया है, तमाम पुलिस बल भी तैनात थे और तमाम लोग हैं, लोगों के हाथों में लाठी डंडा दिखाई दे रहा है, माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर यहाँ पर हुआ क्या है कि ट्रकों को परिचालन को रोक दिया गया है, क्या हुआ है भैया, क्या हुआ है, चढ़ा दिया एकदम बढ़िया, किसके किसके कंडक्टर का है, अच्छा इसीलिए ट्रकों को आप लोग रोके, दिखाइए हमें थोड़ा कहाँ पे हुआ था, पुलिस वाले भी है, पुलिस वाले हैं सर, आखिर क्या हुआ था, सकता है कि शराब के नशे में हो और ट्रक वाला चढ़ा दिया, जिसको लगा है वो लोग कहाँ है अभी, हॉस्पिटल विदा कर दिए, हॉस्पिटल चला गया, मतलब हालत एकदम नाजुक है क्या अभी, दुकान पर दुकान पर मार दिया, इतना तेजी से जा रहा है, हाँ मार दिया उसका छोटे छोटे बाल बच्चा है, पुलिस वाले लोग के एंट्री मिल जा रहा है, ये लोग गाड़ी पासिंग करवाते हैं, गरीब का रोना पड़ेगा, इतना बच्चा का छोटा छोटा बच्चा, छोटा चार बच्चा है, ये बेटी है उनका, बेटी है और उसके बाद ले जाता है तो खलासी गिरी में खाता है, नहीं जाए तो बच्चा रोएगा, मेरे पापा कुछ ले जाए खाएंगे, उसका कल अपना पड़ेगा, नजायज करने वाले ऊपर पड़ेगा, उसका नजायज करने वाले ऊपर, सोचिए जिसका छह छोटा छोटा बच्चा हो, छह बेटी है सोचिए, और बिहार में दहेज लिया जाता है, छह बेटियों का खर्चा कौन चलाएगा, कोई चलाएगा क्या यहाँ पर, गरीब आदमी है, कोई नहीं चलाएगा, और यहाँ पर पुलिस की भी टीम है, मैं चाहूंगा पुलिस वालों से भी, क्या बोल रहे हैं, चढ़ा दिया लेकिन जाता है, मैं सब जा रहा था क्या, इसमें ही जा रहा था, ये भागत भागत इधर आया, लेकिन लाइन है जाने के लिए, लेकिन ओ चाप के चढ़ रहा है, बावे इधर में है, तो पुलिस वाले फिर क्या करते हैं यहाँ पर, अरे पुलिस वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले कुछ लेता है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पर लड़की आई हुई है आपके पिताजी से, क्या अब देखिए इस बच्ची का दर्द को कोई समझ सकता है क्या, क्या बोले हम, सबसे बड़ी लड़की है, सबसे बड़ी लड़की है, पुलिस से हम बात करने का प्रयास करें, पुलिस वालों से आखिर इस तरह का, पुलिस वाले कहाँ है, पुलिस वाले, पुलिस वाले कहाँ है, इधर लेके आइए, इधर लेके आइए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और देख सकते हैं कि एक आदमी को किस तरह से रौंद करके ट्रक का ड्राइवर चला गया, और हालांकि ट्रकों को पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से, और मुझे नहीं पता कि कब तक पकड़ के रखा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में ऐसा भी होता है कि ट्रक वालों को पैसा के लेकर के छोड़ दिया जाता है, कभी ओवरलोडिंग ले जाते हैं, देखिए यहीं पर खून है और आपको लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कितना ज्यादा खून निकला है शरीर से कि बचना मुश्किल है, अच्छा पुलिस वाले तो बता रहे थे, पुलिस वाले तो बता रहे हैं कि अपना नौकरी बात बचाने के लिए बताएगा नहीं, आप रोड देखिए कहाँ से कहाँ, पुलिस इधर दिखाइए एक बार, एक बार दिखाइए तो यहाँ हो गया, यहाँ तो देखिए सीधा है ये सर,
वहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर हुआ है। मतलब फुटपाथ है या पैदल चलने वाला रास्ता है? देखिए कहीं ना कहीं ये लोग सही है अपने जगह पे, पैदल चलने वाला रास्ता है। अगर ट्रक वाले यहाँ से जाएंगे तो फिर पैदल चलने वाला कहाँ से जाएगा? ट्रक वाला पैसा लेकर के कमाने के लिए अच्छी काम कर रहा है। मतलब आप पुलिस पे लगात आरोप लगा रहे हैं? काहे नहीं लगा, सरकार का आरोप लगाएंगे ना, काहे नहीं लगा, सरकार के कारण ऐसा हो रहा है। जब ड्यूटी कर रहे हैं आप अपना, यही पे पुलिस वाले यही पे मौजूद हैं। देखिए उस समय यहाँ पे अफ्ताब खान, देखिए बिहार पुलिस के जवान अपना काम कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। अगर ईमानदारी से करते तो शायद एक आदमी का इस तरह से, अब बताइए यहाँ से ट्रक वाला जाएगा तो आदमी फिर कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा क्या? यहाँ से जाएगा आदमी? बोलिए आप सब अपनी राय दीजिएगा कि आखिर जब अब ट्रक वाला यहाँ से जाएगा तो पैदल वाला आदमी कहाँ जाएगा? जंगल में चलेगा, गड्ढा में जाएगा? गड्ढा में जाएगा ना, मैं क्या बात करूँ, आखिर उनका कौन देखेगा? यहाँ पर तमाम लोग हैं ये लोग। अच्छा आप लोग उस परिवार का साथ कब तक दे पाएंगे? दीजिएगा अंत तक साथ? या आप लोग भी दस एक कौन देगा साथ? अपना किसी का पेट भरते नहीं, किस कौन किसका चले चलाएगा? कब तक चलाएगा? एक दिन दो दिन और कौन दिन चलाएगा? वो तो कह रहे हैं कि हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम क्या पूछे। यहाँ पे बताइए ट्रक वाला अगर यहाँ पे आता तो पैदल वाला कहाँ जाएगा? ट्रक वाला अगर यहाँ आएगा तो पैदल वाला कहाँ जाएगा? दिखाइए। अच्छा भैया एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक वाला अगर यहाँ तक आ गया तो फिर पैदल वाला आदमी गड्ढा में जाएगा क्या? गड्ढा में चला जा रहा है क्योंकि मार दे रहा है। कितना मर्डर हो गया यार, मोटरसाइकिल से एक होगा। पुलिस वाले कह रहे हैं हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कुछ नहीं है, ड्यूटी फिफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। अप डाउन लाइन है, अप डाउन जाना है, मैं जाना हूँ, मैं आना है। इसमें तीन लाइन लगता है, उधर ट्रक है, इधर ट्रक है, इधर से ट्रैक्टर है, तीन लाइन। कहीं और वीडियो कैमरा कर दे हम विदा कर दे, तीन लाइन चलता है, तीन लाइन का रोड है, सिक्स लाइन है, तीन लाइन में लेकिन में तीन लाइन चलता है। आएगा लेकिन इसमें तीन लाइन जाता है, दो लाइन उधर जाता है। पुलिस वाले तो कुछ नहीं कर रहे, खड़े हैं यहाँ। तीन लाइन लगता है, एक ट्रक दो ट्रक एगो इधर ट्रैक्टर, तीन गाड़ी लगती है। लोग इतना ज्यादा आरोप अगर पुलिस के सामने लगा रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हालात क्या रहता होगा। तमाम इससे पहले भी एक्सीडेंट होता रहा क्या? बहुत बार पांच एक ही दिन में पांच एक्सीडेंट यहाँ पर होता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। रेगुलर। अरे मर रहा होता है, जी रेगुलर मर रहा है आदमी। अभी दो दिन हुआ है, अभी यहाँ पर चार गो एक्सीडेंट फुल डे। मकर संक्रांति का दिन कोई पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, कोई सोच कर जाता है कि अपने बच्चों के घर कमा करके जाऊंगा तो मेरे बच्चों का पेट पलेगा। लेकिन कमाने के चक्कर में एक आदमी, कितने लोगों का जान यहाँ चला गया है। पुलिस कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन सोचिए कि खा के गाड़ी छोड़ती है, ठीक ना? मतलब पुलिस कमीशन जी उसका साइड छूटा है, मोबाइल पर मैसेज आ गया है इन लोग के गाड़ी दोनों लाइन से छोड़ना है कि मेरा जितने ज्यादा गाड़ी निकलेगा उतना पैसा आएगा। एक गाड़ी को 500 एंट्री, मतलब हर गाड़ी पे कमीशन है क्या? गाड़ी का कमीशन है, हर गाड़ी पे आइए जिसका बड़ा पैसा है। चेक पोस्ट है जो प्रशासन का चेक पोस्ट है, वहाँ पर जाकर पूछिए कि आप लोग कौन रास्ता से जाने देते हैं, या दोनों लाइन चलता है कि एक लाइन चलता है। पूछिए इनसे, हम लोग नहीं जानते हैं ना कि दोनों लाइन चलता है। हम लोग कहीं पर दुकान है, समझ जाइए कि जब हम तो क्या पूछे हो तो कह रहे हैं कि आइए देखिए यहाँ पर प्रशासन। आइए नीचे भाई, अभी आप पकड़े नीचे भाई, देखिए इन लोगों की, देखिए प्रशासन की टीम। लोगों का आरोप है कि पैसा लेकर के गाड़ियों को छोड़ा जाता है। देखिए लोगों का आरोप है कि पैसा लेकर के छोड़ दिया जाता है ट्रकों वाले को। कौन कौन बोल रहा है? कोई नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए, पुलिस वाले पे आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि पैसा लेकर गया, सच्चाई है क्या? अरे ये तो मैं तो जानता नहीं हूँ यार, मैं रहता ही नहीं हूँ। देखिए प्रशासन की टीम है और हम लोगों ने पहले भी बात किया, लोगों का कहना है कि प्रशासन से आप बात कीजिए, प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए लोगों का आरोप है कि लगातार एक्सीडेंट होता रहा है और एक लाइन से पुलिस वाले मुझे बता रहे थे कि अपना साइड से जा रहा था, तो जब सर अपने साइड से जा रहा था एक साथ में तीन तीन गाड़ियों को आप लोग छोड़ते हैं, लोगों का आरोप है यहाँ पे।
आरोप निराधार है, वो तो एक साइड से गाड़ी आ रहा था, वो जा रहा था सर, एक साइड सर, एक सेकंड सुनिए सर, मेरे बात सुनिए, तीन सर सुनिए, एक साइड से एक गाड़ी जाएगा, इधर से इधर गाड़ी जाएगा, ठीक है, लेकिन उन लोगों का आरोप है कि एक साथ तीन तीन गाड़ियां आप लोग निकालते हैं, आरोप नहीं है, कहां तीन गाड़ी कहां लाई है, रॉन्ग साइड से कहूँ तो रॉन्ग साइड से नहीं है, एक बार में तीन तीन गाड़ी लगाई है, नहीं है अपने साइड से, रॉन्ग साइड से नहीं है सर, सर एक सेकंड, नहीं वो तो अरे तो क्या करे, अरे तो हम रोके ना, रॉन्ग साइड तो रोके ना, रॉन्ग साइड रोके ना, सर एक्सीडेंट कैसे हुआ, रोके कैसे, रो एक्सीडेंट तो, एक्सीडेंट तो उधर हुआ है, नहीं नहीं उधर हुआ है सर, एक सेकंड, एक नहीं सर, आप भाग रहे हैं वालों, कौन सर, मेरी बात सुनिए, हमको पता है कि बिहार का सिस्टम क्या है, हमको मत पढ़िए, उसम नहीं है, नहीं साइड, हम उसको नहीं कर, हम उसको रॉन्ग साइड नहीं कर रहे हैं, देखिए इधर से गाड़ी कैसे आ रहा है, ये गाड़ी कैसे है, रोकना तो पड़ेगा ना, आप ही के ऊपर बताइए, इधर लेके आइए, तो इधर लेके आइए, ट्रक पार्किंग में पीता हूं, रुके रुके, एक मिनट रुके रुके, रुके आप, रुके रुके रुके, एक मिनट, आप इधर से लेके कैसे आ गए गाड़ी, आप इधर से गाड़ी कैसे लेके आ गए, आपका साइड वो है, आप कैसे लेके आ गए गाड़ी, ओ भैया रुके एक सेकंड, आप इधर से गाड़ी लेके कैसे आ गए, अगर मेरे ऊपर बिहार की जिम्मेदारी आएगी तो मैं सवाल करूंगा, रुके रुके एक सेकंड, प्रशासन को बुलाइए, प्रशासन को बुलाइए, रुके गाड़ी रुके, गाड़ी रुकाइए, गाड़ी रुकाइए, गाड़ी रुकाइए, गाड़ी रुकाइए, प्रशासन यहीं पे है और प्रशासन वाले पैसा ले लेते हैं और छुड़वाते हैं गाड़ी करते हैं गलत साइड से, रुकाइए गाड़ी एकदम, आप एक सेकंड रुके, आप जवाब भी जाए भैया, सुनिए ओ भैया, ओ भैया देखिए जवाब नहीं देंगे, पता है इनको के पुलिस वाले कब जवाब दें, इधर से गाड़ी क्या लेके आए हैं, गाड़ी लेके इधर क्या आए हैं, रॉन्ग साइड में आता है, रॉन्ग साइड में आता है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, सब जानते हैं पुलिस वाले, सब जानते हैं पुलिस वाले, फिर कैसे हम वही पूछ रहे हैं, वही बात मैं पूछ रहा हूँ प्रशासन से, आखिर कैसे आ रहा है, वही ना मैं पूछ रहा हूँ कैसे आया, वही तो बात मैं पूछ रहा हूँ, सर कहाँ गए, कहाँ गए सर आप, कहाँ है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही बात तो मैं पूछ रहा हूँ, वही बात मैं पूछ रहा हूँ कि प्रशासन वो यहीं पर है और लगातार गाड़ी आ रहे हैं उस साइड से, सर का रॉन्ग साइड, ये ना रॉन्ग साइड नहीं है, वो तो रॉन्ग साइड होगा ना, उधर से गाड़ी जाती है तो कैसे आ गया गाड़ी, गरीबों के लाशों के साथ राजनीति किया जाता है बिहार में, प्रशासन किस लिए खड़ी है यहाँ पे, गरीबों के साथ राजनीति किया जाता है बिहार में, गरीबों के साथ राजनीति किया जाता है, देखिए यहाँ पर गरीबों के साथ राजनीति जो किया जा रहा है, गरीबों के साथ राजनीति जो किया जा रहा है यहाँ पर, सरकार है कि हम अपना काम कैसे काम करें कि उस साइड से गाड़ी आ जा रहा है, क्या मैं दिखाऊं यहाँ पर, मैं क्या दिखाऊं, क्या मैं दिखाऊं यहाँ पर, प्रशासन अपना जिम्मेदारी भूल जा रही है यहाँ पर, गरीबों का रोज हत्या हो जा रहा है, इसको हत्या नहीं तो मैं क्या बोलूं, इसको मैं हत्या नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, अगर प्रशासन के सामने कोई आदमी को रोन कर चला जाता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, अगर 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 प्रशासन के सामने किसी गरीब को रौंद कर चला जाता है ट्रक वाला तो उसको हत्या नहीं तो फिर क्या बोला जाएगा, बताइएगा आप सब कि अगर प्रशासन यहाँ पर खड़ा है उस साइड से गाड़ी आकर रॉन्ग साइड में जा रहा है, अगर हत्या है इसको हत्या नहीं तो फिर क्या बोलूंगा, ये तो हत्या ही ना है, ये तो हत्या ही ना है, ये हत्या ही ना है, प्रशासन और पैसा लेने के लिए आ जाता है, लेने के लिए यहाँ पे पैसा लेना होगा तो आ जाएगी, पैसा लेना होगा तो आ जाएगी, मैं तो उनके सामने कह सकता हूँ, मैं एक बार नहीं हजार बार कह सकता हूँ कि पुलिस पैसा लेती है, इतना हिम्मत है कि सारा प्रशासन के सामने रॉन्ग साइड में हिम्मत महाराज, क्या हिम्मत, हम बता रहे क्यों, हम बता रहे तो वही तो बात है ना, पैसा देता है तो हिम्मत नहीं आएगा, पैसा देते और पैसा देकर गरीबों का लाश के साथ भी जयंती हो जाएगा, सर माना चाहिए यार, बिहार पुलिस आप लोगों को सर माना चाहिए कि गरीब इंसान मर जा रहा है आप लोगों के गलती के कारण, और आप लोग खड़े होकर 50,000 55,000 1-1 लाख रुपया अपना लेते हैं सैलरी, उसके बाद 2-2 लाख रुपया आप लोग उछल लेते हैं रोड पर, कहाँ बोलेंगे, भाग गए हो, कहाँ है वो लोग, नहीं बोलेगा कोई, कहाँ है कोई नहीं बोलेगा, चलिए ना आप लोग नहीं बोलेंगे वो लोग यार, नहीं बोलेंगे वो लोग, कहाँ पे है, कहाँ है, कौन है, कौन है थाना प्रभारी, कौन है थाना प्रभारी, ये है, अरे थोड़ा धक्का क्यों दे रहा है सर, अब धक्का क्यों दे रहा है सर, देखिए ना कैसे धक्का दे रहा है, कैसे धक्का दे रहे हैं, देखिए इनको, वाह सर वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सवाल करेंगे तो धक्का देंगे, बहुत बढ़िया सर, वाह धक्का दे दिया हमको, देख लीजिए, वाह सर वाह,
देख लीजिए सर, बहुत बढ़िया सर, धक्का दे रहे हैं सर, आम जनता के साथ क्या क्या व्यवहार करते होंगे लोग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कैमरा लगा हुआ है मेरा, देख लीजिए, धक्का दे देंगे, सवाल कीजिएगा ना, अगर गरीबों के आवाज उठाइएगा तो धक्का दे देंगे। सोचने वाली बात है कि जब पत्रकार को मारा जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। क्या मैं गलत पूछ लिया सर? सर मैं क्या गलत पूछ लिया सर? क्या गलत पूछा सर आपसे? सर क्या गलत पूछा? सर क्या गलत पूछा सर आपसे? मैं कुछ गलत पूछा क्या? आप वीडियो बनाइए मेरा पूरा अच्छा से, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल पूछिए सर। नहीं नहीं, एक मैं गलत बोला क्या? कुछ मैं कुछ गलत? हाँ सर, एक सेकंड आइए, देखिए देखिए। हाँ सर बोलिए, हम जाम लगाए हैं, हम जाम लगाए हैं, यहाँ लोग हम जाम लगाए हैं, हम जाम लगाए हैं।